नहीं बढ़िया कलम इधर देखो, इधर देखो अब पेंशन का लेते हैं, जनरल का तुमको पढ़ा दिए हैं तो पेंशन ही काहे बनेगा। पूरा इसमें कार्बनिक नहीं मिलता, पूरा इसको अब जितना के उसको और कार्बनिक सब इसमें है, लास्ट में होगा और कार्बनिक काहे मिलेगा। बाप रे बाप, पेजे देख के बुखार ले और कार्बनिक इसमें नहीं है। है सही है सर, बाबू साहब को भी हालत डैमेज हो गया करते। अरे चैप्टर केमिस्ट्री की जो नोट भेजो उसमें जो लाइट अब कमेंट करता जल्दी बाबू साहब अभी तक करते नहीं है। और कार्बनिक तो भेज देंगे हम फिर आश्चर्य है। और कार्बनिक वाला उसमें कहीं कंबाइन की आपने जो भेजे थे वही पूरी है ना? पूरा वही है, देखिए ठीक है भेज देंगे फिर तो। दूसरा पीरिया बना होगा कार्बनिक, ही हो सकता है। तो लेकिन जहाँ तक हमको स्मरण है देखेंगे बार अपने मन में। चलो ठीक है, चार सौ मतलब और है और कार्बनिक उसमें है वो तो भेज दीजिए सर जल्दी से। इधर वाह इधर फंक्शनल ग्रुप, अरे हमको डाउट रहा था फिजिक्स में अत्य बेसी है, 534 था इसमें 424 था। फंक्शनल ग्रुप ऐसे तो ऊपर ये रहा कार्बनिक। फंक्शनल ग्रुप इथर का क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इथर का वो होते सिंगल बॉन्ड खाली दोनों तरफ नोटा दे लेके आओ आकर के बैठ सकते हो। मन में आ गया। जनरल फार्मूला इसका होती अब जो दो तीन को पढ़ेगा ना तो वही होगा आर ओ आर डैश। जनरल फार्मूला इसका क्या हो गया? आर ओ आर डैश, आर डैश हो गया। समझ में आ गया ना? तुम लोग को जॉब लेने में उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना कि हम लोग का स्ट्रगल करना पड़ा। रास्ता नहीं था देखल की रास्ता चलना है। आर बराबर आर डैश ये इसको कहते हो सिंपल इथर। समझ में आ गया ना? इसको कहते हो सिंपल इथर। और जब R डज नॉट इक्वल टू R डैश होंगे मतलब जब बराबर नहीं होंगे उस कंडीशन में इथर बनेंगे लेकिन वो मिक्स्ड इथर बनेंगे। समझ में आ गया ना? इथर बनेंगे लेकिन मिक्स्ड इथर बनेंगे। और R बराबर वही अपना अल्काइल है, R बराबर अल्काइल है और R बराबर हमेशा अल्काइल ही होंगे। और वो R बराबर जो पढ़ा था ना अल्काइल CH3 वहाँ से वहीं शुरू होंगे हमेशा जब भी R आ जाएंगे तो, क्योंकि वो अल्काइल पहले तो जानते हो। R डैश बराबर शुरू होगा वो CH3 उसको भागा बकरी को उधर से अथी सब कर देगा खा जाता है कुछ है नहीं तो अपना विसर्जन कर देगा, दिक्कत हो जाएगा ना। वैल्यू ऑफ एन बनना करना कंपाउंड्स मेट्रिको का टेंशन थोड़े है बुझो तो एक तरह से खत्म है जो मेट्रिक से बचा हुआ ना। अब आज से फिजिक्स पढ़ाएंगे करंट खत्म कर देंगे दो तीन दिन में। उसके बाद बेरबाद कुछ नहीं, उसके बाद जितना है ना यूट्यूब से उतना कर लेगा। तुम लोग ये पढ़ाता हो तो है ही नहीं बढ़िया से। मैग्नेट है ही मैग्नेट पूरा है करेंट दो तीन क्लास लिए हैं मैग्नेट करेंट भी ऐसा है दो तीन दो क्लास लेंगे ना चार घंटा जूल तक पहुँचा जूल टपा देंगे। बेसिक केम टाइम लगता है पढ़ने हमको, उस बात नहीं लगता है कुछ चैप्टर में। कल फार्मूला प्रूफ कर दिए हैं, बेलन तेलन शंकु तंकु अलाय बलाय सब प्रूफ कर दिए हैं कल। टोटल 13.1234 का फार्मूला प्रूफ कर दिए हैं। बन में आ ना तो वो बनिया जाएगा। वो सवाल अभी छोड़ दिए हैं यूट्यूब पर, तुम लोग जो पढ़ाता अच्छे तरीका से सवाल बनाया हुआ है सब चीज़। वो आज से फिजिक्स को रोदना शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का तो पूरा है ही, केमिस्ट्री का बेस बना ही दिए हैं। अणु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं जानता सब चीज़ बताइए दिए ना जी, सब चीज बताइए। बेस में बनाना केमिस्ट्री का अथी और दे दिए सब संरचना का ज्ञान दे दिए। संरचना के नहीं दिए हैं तो खाली इलेक्ट्रॉन सजाना नहीं दिए, बाकी सब बता दिए। इलेक्ट्रॉन सजाना नहीं बताए हैं, वो टॉपिक आएगा तब ना बताते हैं। तो बाकी उतना आ जाएगा यूट्यूब से, यूट्यूब पर सब दिया हुआ है ना उतना सब आ जाएगा। और भी मान लो उसमें जो अच्छे हैं इंटर का एक दो क्लास पढ़ाए ना वो लिंक डाल देंगे ग्रुप में। इंटर में हाँ तुम लोग को देखे एक दिन कक्षा उक्षा वाला क्लास उसका पढ़ लेगा ना इंटर वाला बैच से तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अरे इंटर के दसवां वाला दिक्कत नहीं है, आवर सारणी वो लोग पढ़ेगा, वो लोग दसवां तुम लोग को पढ़े किए थे इंटर में पढ़ाए, अगले बार वो भी है तू लोग को पढ़ाए वो भी है, अब एक पढ़ाए वो भी है। कत्ते लेने लो लो ना छिट्टा भर भर के आवर सारणी है समझ रहे हो ना, कुछ नहीं दिक्कत होगा। वैल्यू ऑफ एन कंपाउंड्स कॉमन नेम नोट्स है ये है तू लोग को पढ़ा हुआ, वो नोट्स दे देना आराम से छाप लेगा। क्लास नोट्स यूट्यूब से जो लिखेगा उससे भी हो जाएगा, तो ग्रुप में पीडीएफ भी डाला हुआ है। तैयारी आराम से, अभी टाइम भी 5-6 महीना है। मेन टेंशन था मैथ का, उसको ही हम निपटा दिए पहले, इसीलिए तो बढ़िया जगह पहले पढ़ा के रख लिए ताकि नहीं हो। कॉमन नेम IUPAC नेम समझ में आ गया ना? आर बराबर देखो, आर बराबर जब होगा आर डैश
आर बराबर आर डैश और बराबर सी एस थ्री लेते हैं, छोड़ हटाओ रहने दो, इसका भी पहला कंपाउंड सी एस थ्री होंगे, इसका भी पहला कंपाउंड क्या होंगे, दोनों का पहला कंपाउंड क्या होंगे, सी एस थ्री होंगे, दोनों का पहला कंपाउंड सी एस थ्री होंगे। अब जब दोनों का पहला कंपाउंड सी एस थ्री होंगे तो सिंपल इथर बनेंगे, जब दोनों बराबर होंगे तो उस कंडीशन में देखो कहा है ना क्या बनेंगे, सिंपल इधर उस कंडीशन में बोलेंगे, इस कंडीशन में इसका फार्मूला हो जाएगा सी एस थ्री ओ, क्या हो जाएगा सी एस थ्री हो जाएगा, सी एस थ्री ओ सी एस थ्री हो जाएगा डायमिथाइल एथर। देखो इसको, इसका आज यूपीएससी लिखने का तरीका है एलॉक्सी प्लस क्रॉस पर लिंग एल्केन, चलो ठीक है। इसका जो नाम है, इसका नाम है डायमिथाइल इथर, क्या को कार्बन है जी, दो को कार्बन है, तो इसको बोलो डाय डायमिथाइल, वो से क्या हो गया इथर, ई टी एच ई आर डायमिथाइल इथर है इसका नाम। डायमिथाइल मतलब क्या होता है, मोनो डाय मतलब दो और मिथाइल मतलब एक, तो डायमिथाइल दो मिथाइल है वो इथर, समझ में आ गया ना, ऐसे नामकरण करेंगे। आई पी एस सी भी आ रहे हैं दो नंबर में, चलो व्हेन जब आर बराबर, जैसे अगले बार नहीं किया था आर बराबर क्या ले लेंगे हम लोग सी एस थ्री और आर डैश बराबर ले लेंगे सी टू एच फाइव, आर बराबर सी एस थ्री आर डैश सी टू एच फाइव, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ से रखो फार्मूला सी एस थ्री ओ सी टू एच फाइव, समझ में आ गया ना, इसको बोलो इथाइल है ना, इथाइल मिथाइल इथर, इसको कहा जाता है इथाइल इथाइल मिथाइल, ऐसे नाम लिखेंगे इसका पहला, इसका नाम क्या होगा इथाइल है ना तू बोला, उसके बाद ये क्या है मिथाइल, ये इथर, अकेगा यहाँ तो डाय बोले थे तो बोलेंगे मिथाइल मिथाइल बोलते दोबारा थोड़े, इसलिए डाय लगा सीधा लगा दिया दोबारा ना कहते मिथाइल मिथाइल, इसको कहते हैं मिथाइल मिथाइल इथर, सीधा कर दिया डाय मिथाइल इथर, समझ में आ गया ना बात, इसको अलग अलग है इथाइल मिथाइल इथर, समझ में आ गया नहीं बात होती है। तीन नंबर में देखेंगे हम लोग, या तू लोग भी तो मैथ पढ़िए लिया है, है असली काल कष्ट दूर है, ऑन है कि नहीं है कि ठीक है ऑन है। व्हेन आर बराबर तीन नंबर में, व्हेन कितना दिन क्लास में होकर चला अभी, दो महीना, दो महीना से बेसी है, दस दिन पंद्रह दिन, बीच में तो तीन चार दिन तो था ना, अरे छुट्टी भी था ना, तो फिर छुट्टी भी था, पाँच छः दिन छुट्टी भी होगा, एक सप्ताह वो छुट्टी, एक महीना वो छुट्टी ही था, एक तरह से बुझो एक तरह से मान के चलो, एक सप्ताह छुट्टी नहीं था, एक सप्ताह छुट्टी, दो दिन तो एक बार दो दिन, उसके बाद एक बार पहले एक बार और दिए थे, बोले थे जा रहे हैं अथी लाने के लिए वैक्सीन, लेकिन नहीं हुआ था, तीन तीन शादी में, कोरोना शादी में नहीं छुट्टी था, क्लास ऑफ था, क्लास ऑफ टेस्ट देते सिर्फ मान चलो उसको भी, हाँ चार दिन, उसके बाद वो बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में दिए, उसके बाद छुट्टी नहीं है ना, चार दिन हुआ, दो महीना, आज छह तारीख है, क्लास हुआ दो महीना तीन दिन, आर बराबर आर डैश सी टू एच फाइव, सत्ताईस को लगा तो दो महीना तीन, सी टू एच फाइव ओ चार दिन रखा, सी टू इतना दिन, बीस तारीख से क्लास चल रहा है, बीस तारीख से तुम लोग, हाँ हम तेईस तारीख, उसके बाद देखो ये दो को इथाइल है, ये हो गया डाइथाइल, समझ में आ गया ना, क्या हो गया डाइथाइल, ई टी एच कितना सीखा दो महीना में, डाइथाइल क्या होंगे इथर, दो को है ना इथाइल, ये भी इथाइल ये भी इथाइल है ना, तो डाइथाइल जैसे यहाँ बोले डाइमिथाइल इथर। अब देखो रूल फोर आई यू पी एस सी नेम, इसी प्रकार से कंपाउंड बनेंगे, रूल फोर तब ना तीन महीना कोई कंसेप्ट बहुत हो गया, तीन महीना आई यू पी एस सी नेम जनरली तो हम तीन महीना कोर्स सब दिन पढ़ाए हैं क्योंकि हमको उतना फुर्सत ही मिलता है साल भर पढ़ाने का, एल ए एल के ओ एलॉक्सी वो भी होना चाहिए, तीन महीना हम खत्म सब थोड़े कर देता है, समझ में आ गया ना, हम कोनो फांकी मारेंगे तो डीप में चलते हैं पूरा गहन अध्ययन में, तैयो खत्म कर देते हैं, एलॉक्सी प्लस क्रोस्पोंडिंग एल्केन, एलॉक्सी प्लस क्या करेंगे रूल फॉर आई पी सी नेम, एलॉक्सी प्लस क्रोस्पोंडिंग एल्केन लिखो, जैसे इसको देखो एलॉक्सी तो प्लस क्रोस्पोंडिंग एल्केन, एलॉक्सी प्लस क्रोस्पोंडिंग एल्केन लिखना है ना। अब देखो उसके बाद ये है ना सी एस थ्री,
इसको बोलेंगे एलॉक्सी मतलब मेथॉक्सी, MeTHO मेथॉक्सी और प्लस मीथेन, इसका एलॉक्सी प्लस क्या करेंगे क्रॉस एलॉक्सी प्लस क्लोरोफॉर्म करेंगे कि मेथॉक्सी प्लस MeTHA एन मीथेन बोल देंगे, इसको फिर क्या बोलेंगे मिथॉक्सी। इसी प्रकार से जो मन है कंपाउंड बना के नाम लिख दो, इसका नाम क्या बोलेंगे मेथॉक्सी, इसका नाम क्या बोलेंगे इथेन, क्रॉसपोनिंग करके मीथेन है ना, इथेन इथेन है, ETHAN इथेन बोलेंगे। इसका फिर क्या बोलेंगे दो है तो इथॉक्सी ETHO इथॉक्सी क्या बोलेंगे इथेन। तो अब तुमको और लिखना होगा ना कंपाउंड, इसी प्रकार से वैल्यू लो और कंपाउंड को बनाते जाओ। कुसरी का हो गया है हो जाता है ये अथी में गफा में हो जाता है ये जो अथी है एक वो निकल एक साइड निकल रहा है। चलो गर्मी है इसीलिए ना, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखो यहाँ से, जैसे कि एक को कंपाउंड ले लेते हैं, स्ट्रक्चर तो बनाना काफ़ी इजी है, दिमाग में सबको सेट कर गया कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। बनाओ स्ट्रक्चर पहले स्थिर को बनाएंगे, बनाते हैं स्ट्रक्चर। हो गया कार्बन रखेंगे बीच में, कार्बन रखेंगे बीच में, हाइड्रोजन तीन गो है ना, अब तीन गो हाइड्रोजन क्या किया हम लोगों ने लगा दिया, समझ में आ गया ना, तीन गो हाइड्रोजन हम लोगों ने लगा दिया। इसी प्रकार से सबका स्ट्रक्चर बनते हैं। और बनाना होगा जैसे मान लो C2H5O, तो बस कार्बन रखो दो गो, ऑक्सीजन रखो फिर कार्बन दो गो रखो, इस कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है पाँच गो है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच हो गया, हाइड्रोजन सब जगह दे दिए देंगे काम बन जाएगा। क्या गया इसको नहीं दिए, अरे इसके पास पहले से चार गो है, चार चार आठ हो गया, दो गो इसलिए देखो खाली जगह था, दो था नहीं इसमें दो गो था खाली जगह, यहाँ से जुटा यहाँ आठ जुट गया ना, समझ में आ गया ना पूरा हाइड्रोजन यहाँ लगा काम। सर केमिकल बॉन्ड का बहुत पड़ेगा ट्वेल्थ में बहुत बढ़िया, इसके बिना ट्वेल्थ में नहीं समझ पाओ, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। हमको तो इतना ध्यान में था कि हमने सारा को एक में दे दिया है, लेकिन तू लोग करे नहीं है तो आज मोबाइल में देखेंगे, हो सकता है कि दो तीन गो पीडीएफ बना था, तो हो सकता है वो बोला तब नहीं गया होगा, यह संभावना है ना, देख पूरा वाला कौन कौन छूटल है। बाकी जहाँ तक है जो लाइट तक है फिजिक्स से बेसी है कि कम है, लगभग उतने दोनों 19-20 होगा। हाँ तो तब वो 500 देखो जियो लाइट है ना, जियो लाइट होगा ये यहाँ तक है, यानी कि ये बचा होगा इसका, तब हमने यही सिर यहाँ तक जियो लाइट है फिर उसमें यही यही बचा होगा, नहीं होगा तो बना के फिर दे देंगे, और क्या दिक्कत है, इतना तूने पढ़े लिया है होगा तो बना के दे सीधा, दो तीन चैप्टर हो जाता कौन सी में पॉलिटेक्निक में इंटर में इंटर है। अरे इंटर का तो पढ़िए लिया फिर गति सब तो है, इंटर का तो गति तो पढ़िए लिया है, इंटर का बहुत कुछ फिजिक्स पढ़ लिया है, फिजिक्स गति पढ़ा है तू, केमिस्ट्री सिलेबस नहीं है केमिस्ट्री में ज्यादा, इसलिए पहले केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया, थोड़ा ज्यादा और डीप में जाते हैं। कौन सी में केमिस्ट्री में 11th का जो पढ़ते हैं। हाँ ये है 11th में जाते, ये तो 11th में डीप में तो है ही ना, कीटोन 6 नंबर में कीटोन होगा, कंसेप्ट तो सब सीखे लिया है, खाने निकल लेगा तुमको निकलने किया वही ने वो है, कंसेप्ट उतना ही है जितना वो लोग को तो बताए होंगे वीडियो में। हाँ बताए हैं, जैसे तू गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, सब फॉर्मूला प्रूफ किए हैं, टोटल चीज निकाला गया है, लाइन बेग ई बेग वो बेग नो तेरा सब चीज़ बताया गया है, टोटल चीज़ कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होता है इसका डबल बॉन्डो या स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनता है, सीधा बैठो ना इधर घसक के यहाँ हाथ छेक रहता है, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका जनरल फार्मूला पूछेगा तो आर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं हम लोग सटा देंगे, तो फार्मूला बन जाता है, समझ में इसको यहाँ से उठा कर लाओ, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ और कह दिए हो गया नहीं। अब इस कंडीशन में जब बराबर होंगे उस कंडीशन में क्या बनता है, वेयर आर बराबर जब होंगे आर डैश उस समय एल्काइल बनेगा, अब बराबर नहीं होगा तब जब दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे उस कंडीशन में, फिर आर बराबर आर डैश, हाँ यहाँ पर आर और आर डैश क्या है बराबर है, मतलब कि दोनों एल्काइल ही, एल्काइल ग्रुप पढ़ा था ना जी,
एल्काइल ग्रुप पढ़ा था ना, मिथाइल सल्फोप्रोपाइल जो फार्मूला था, दोनों एल्काइल ही होंगे, यानी कि दोनों का वैल्यू CH3 से ही शुरू होंगे। हाँ एल्काइल है ना, इसीलिए एल्काइल में। और जब ये हुएर है और ये हुएन है, जब जब आर बराबर, जब आर डज नॉट इक्वल टू आर डैश होंगे, तो उस कंडीशन में मिक्स डीथर बनते हैं, मिक्स कीटोन, जैसे वहाँ अभी देखा था ना, उसमें मिक्स कीटोन बनते हैं। ये लोग बस हम लोग को ध्यान रखना, ऐसा करने पर ऐसा होती है। और जब बराबर होंगे तो उस कंडीशन में बनते हैं सिंपल कीटोन। अब बना के देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ आर एंड आर डैश कंपाउंड्स। कॉमन नेम IUPAC नोटिस सरकार का तू देखा है, आया था जो ट्विटर पर, खाली देखा ट्विटर देखा, न्यूज वाला बोला सब हल्ला करता है सब पकड़ के। चलो बहुत दिन के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, ये तो 2019 के बाद दम लेने नहीं दिया किसी को, उठा उठा पटका। 20 भी चला 20 भी, लेकिन तुम लोग का कुछ नहीं बिगड़ा, हम लोग का बिगड़ा मंदिर होना खत्म कर देता सर। हैं इतना दिन पूरा सी, अरे अभी सर जी जॉब पर पड़ती है मंदिर में, तो मंदिर होना कम। पॉलिटेक्निक पास करने के बाद उठने नहीं दिया लॉकडाउन, ये उठे फिर गिरा देता था। आर बराबर आर डैश हम लोग बराबर खूब उठने दिया, समझ, उठा दिए, उठने नहीं दिया, उठा दिए ऐसे को मतलब ना। हाँ हाँ, उठा आर बराबर आर डैश बराबर क्या होंगे, CH3 होंगे। जब दोनों लेग चलेंगे बराबर तो सिंपल एथर कंडीशन बनेगा, समझ में आ गया ना। तो वो रखो यहाँ से फॉर्मूला, तो CH3 समझ में आ गया ना, सिंगल बॉन्ड क्या होंगे, CH3 बन गया। व्हेन नाम लिखेंगे हम लोग, आर बराबर जब होगा CH3 और आर डैश बदल देते हैं, आर डैश बराबर क्या ले लेते हैं C2, सब में वही रूल है H5। और तीन नंबर में ले लेते हैं व्हेन आर बराबर ले लेते हैं आर डैश अब बराबर C2 H5। अब इसमें रखते हैं कंपाउंड, तो आज दोनों ये CH3 है, तो पहले क्या रखेंगे CH3 रखेंगे ना, CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, और फिर ये इसके जगह क्या रखेंगे आर डैश के जगह क्या माना है C2H5 लिए हो, तो C2H5 आर बराबर आर डैश C2H5। इसी प्रकार से कंपाउंड आगा बढ़ते जाएंगे और बनाते जाओगे। अब इसमें देखो नाम कैसे लिखा जाता है, मेरा लफड़ा यही है नाम कैसे लिखा जाता है। अभी जैसे नाम लिखा था ना मिथाइल, यो मिथाइल है, यो मिथाइल कॉमन नेम, यो मिथाइल यो मिथाइल, अब कीटोन लगा देंगे, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल METHYL कीटोन KETONE, या इसको हम लोग एसीटोन के नाम से भी जानते हैं, कई जगह एसीटोन लिखा होगा, एसीटोन बुरबक बनाने के लिए, समझ में आ गया ना एसीटोन। तो बताओ एसीटोन का दूसरा नाम क्या है, एसिटिलिन का दूसरा नाम क्या, एसिटिलिन का दूसरा नाम, बड़ क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम आता है ना, याद करके चलना है इसको। एसिटिलिन का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम नहीं याद है, याद कर लेना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन सी है ऐसे कुछ होगा, एसिटिलिन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद है तुमको, C2H5OH तो उसमें क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएंगे, एल्काइन हो जाएंगे, तो उस अनुसार से नाम लिख लो कैसे नाम लिखा जाता है एल्काइन रूल का, इथाइल C2H2 इथाइल होगा ना, समझ में आ गया ना। हाँ ये जो है ना बला इम्पोर्टेंट होती है, इथाइन है ना, एसिटिलीन किसी तरह टुका गया उसको याद रखना, एसिटिलीन को बीच में बनता है दोनों के बीच में कौन बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन बीच बनता है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बन 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 बनता नहीं रहेगा इतना नदी टिक करना, इन्हें किन्ने हैं तो हाइड्रोजन कार्बन मार देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
पुराना है हमको तीन वर्ष। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इथाइल। पहले इसका लिखा जाता है इथाइल है ना जी, उसके बाद फिर मिथाइल इटोन, इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल कीटोन कीटोन, समझ में आ गया ना। अब दोनों इथाइले है तो बोलेंगे डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल क्या बोलेंगे कीटोन। अब देखो इसका आईयूपीएसी नाम में रूल, देखो आईयूपीएसी नाम में रूल, आईयूपीएसी नाम में रूल, रूल क्या कहता है, रूल कहता है क्रॉसपोंडिंग एल्केन में से, KAN क्रॉसपोंडिंग एल्केन में से हम लोग ई हटा देते हैं और ई के जगह पर हटा करके यानी कि माइनस ई ओ एन ई कीटोन कर दीजिए सर, कीटोन में है ना ओ एन ई, है ना ओ एन ई कीटोन में, उसको क्या करो जोड़ दो तो हो जाएगा ये ALKAN, ALKAN हुआ और लास्ट में क्या जोड़ देंगे वन ALKANON, ठीक है ना। अब लिखो सबका नाम ALKANON, लास्ट रखना, लास्ट में कीटोन में ओ एन ई होता है ना, ये हटा के वन जोड़ना। चलो बोलो यहाँ से एक दो तीन, क्या वो कार्बन है, तीन गो कार्बन है, propanone propanone, बोलो दो तीन एक चार, ब्यूटेन का butanone ब्यूटेनॉन, दो चार एक पाँच ब्यूटेनॉन, पेंटेन पाँच गए PENTENEONE पेंटेनॉन, समझ में आ गया ना स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाया जाता है। स्ट्रक्चर तो तुम लोग बना ही लेगा इसका सबका स्ट्रक्चर। अब जितना थ्योरी पढ़ा दिया है बढ़िया से फेयर वायर कर करके सेट क्वेश्चन बनाओ, थ्योरी पढ़ो जैसे स्ट्रक्चर का, जैसे कि मान लो लाइट पढ़ा, लाइट पढ़ लिया पूरा बढ़िया से, और लाइट का पढ़ लो थ्योरी पढ़ लिया, जितना क्वेश्चन लाइट का सब भेज दो पकड़ करके, समझ में आ गया ना। ये तरीका है पढ़ने का, करंट पढ़ा करंट पढ़ो फिर उसका, अब जहाँ करंट कमी पड़ते हो कंपनी में दिक्कत हो रहा है दाएँ खोलो वीडियो यूट्यूब से देखो वहाँ क्या बताए हैं हम, पता चल जाएगा तुरंत तुमको, तुरंत कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा, दादा चैनल पर या कहीं से भी मथा लगाए कि कहाँ खोजेंगे, खोजना नहीं पड़ेगा, खोलेगा दाएँ पता चल जाएगा तुमको किस लेक्चर में, उसमें से लिख लिया होगा जिस नंबर फलना फलना, उससे पता कर लेना आराम से। ये वाला बात हो गया, स्ट्रक्चर बनाओ इसका। वही करेंगे कार्बन दे देंगे मरमड़ी में, कार्बन दे दिया ना इसका स्ट्रक्चर बन गया, इसका दे देंगे फिर इसका स्ट्रक्चर लगा देंगे बस हो गया। इधर गिनो सबको पुर गया, एक कार्बन कार्बन को पुर गया, कार्बन दो रखा ले जेबी में, नहीं दो नहीं उसको भी तो पुर गया कार्बन, कार्बन को भी तो पुर गया स्ट्रक्चर, तब किया चार को चाहिए थे एक को, हां अब अलग एक को दिखा देते हैं C2H5 ऐसे है, हाइड्रोजन 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 अब भने न है कि अभी फॉर्म करने निकला है, बढ़िया से तैयारी कर लो, लोग धरफरा रहा है नहीं तैयारी कर लो अच्छे तरीके से, बाद में ही पढ़ना ही पड़ेगा, जनरल में पढ़ो कि कुछ हो पढ़ो, अभी टेक्निक भी इसको बढ़िया से पढ़ लेगा तो जनरल में नहीं है पढ़ना पड़ेगा साथ, समझ रहे हो ना, हटा इसको तब इसी को बढ़िया से क्या करेंगे, चैप्टर जैसे लेंगे सर जैसे बताए बढ़िया पूरे सगड़े सेट उठाएंगे सब अच्छी का तब बनाएंगे, कमन कर लेगा तो वहाँ तो जनरल, मान लो जनरल यदि करेगा तो बाद में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा बस पढ़ लेगा ना, आर्ट्स पेपर सिर्फ पढ़ना पड़ेगा तब बढ़िया रहेगा, इसको बढ़िया से कवर कर लेंगे सर, पॉलिटेक्निक बाद मेरा इंटर हो जाएगा सर, लो साथ साथ हाँ महीने बोलता करता है तो कहता नहीं महीने लगा
तैयार पूछे बोला कि नहीं मैं देख ले उल्टा पुल्टा नहीं लगा दिए बोला कहीं पे व्यक्ति पे देखे उसके बाद मैं देता अच्छा कुछ कुछ सर पॉलिटेक्निक बाद होता है ना वैकेंसी भर सकते हैं जैसे जेई वाला सब भर सकता है अरे ऊज करवे एसएससी जेई की नहीं जब कोई लेते एसएससी जेई की नहीं करेगा क्या सर एसएससी जेई हर एक साल निकलता है कोई रेलवे तेलवे वाला नहीं है को 20 एक सीट है निकाल 20 तो नहीं 2 सीट 200 सीट 300 सीट डेली हर एक साल निकलता है चलो ठीक है उसके बाद चलो एसएससी जेई एमआईन 7 नंबर में एमआईन अभी वो सब तू बाला वाला सोच रहा फालतू बात पहले एंट्रेंस तो निकालो आज जहाँ नहीं निकला है तब तक मान सुबह पान फेंक देगा एंट्रेंस तो निकालना है एक मतलब बताया मैंने सिंगल बने नेक्स्ट टू कहता है सोचल काम खराब हो जाता है समझ में ज्यादा सोचना नहीं है हाँ ये सोचो कि कैसे तैयारी करके एंट्रेंस निकलेगा उसके बाद कल फिर सब चीज़ हो जाएगा दस ना कह लेते हो फंक्शनल ग्रुप इसका ही NS2 हो जाएगा सिंगल बोन ऑनलाइन भी कर ये दिया ये बन जाएगा जनरल फार्मूला इसका बनाओगे CN H2N प्लस वन बगल में क्या लगा देंगे NS2 फिर N बराबर 1 2 3 N बराबर 1 2 3 हो समझ में आ गया ना वैल्यू ऑफ एन कंपाउंड्स कॉमन नेम आज क्या तारीख है 6 हम आज 6 बोले हम बोले थे ना 5 दिन पहले कि देखना 5 के रात में पता चल जाएगा रात का हाँ शामी में दिया शामी में पता चल गया हमने रात का नेम दिया था कि रात शाम तक में तो नोटिस आइए जाता है नोटिस आया होगा साइट पर ग्रुप में कोई ना कोई भेजा आप भेजेगा देखे होंगे आप देगा तो टेलीग्राम पर कल सर ट्विटर पर हंगामा मचा रहा था रिजल्ट के लिए इसलिए कोई ना ध्यान दिया होगा IUPAC में ट्विटर चलाते हैं सर आप हम नहीं चलाते हैं वही सब अभी सब घर पर बैठा ले ना रिजल्ट पकड़ के नंबर 1 टेंड करवा देता है पूरा बिहार में नंबर 1 पर सोचो 8-9 विद्यार्थी मिल करके नंबर 1 पर पकड़ के देने रहता है वैल्यू ऑफ एन लो समझ में आ गया ना अब रिजल्ट ट्विटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा आज देखेंगे एको सर आपके ग्रुप सब में मतलब यूट्यूबर है बढ़िया अरे एक से एक यूट्यूबर है तू इतना करते पैसा छाप रहा है पकड़ के देता होगा तुरंत अथी करता होगा ढेरी है BTSC जो लिख रहा है न्यूज आजकल लोग का एक बिजनेस खोल गया चैनल समझ लीजिए BTSC के नाम पर BTSC हाफे का अभी ना कहेगा BTSC का है हाफा है ग्रुप में क्या बातचीत हो रहा है मुद्दा अपराध कर उस पर वीडियो बनता है यूट्यूब पर ये स्थिति है समझ लो समझ सकती हूँ ग्रुप में क्या BTSC ग्रुप में जुड़ा रहते हैं 4000 आदमी उस ग्रुप में किस ट्रिप चर्चा हो रहा है उस पर वीडियो बनता है पेपर कटिंग आया तो 10 चैनल वाला 10 को प्रभात खबर का उसका भी बनाएगा इसका एक नोटिस भेजेगा तो 5 वीडियो बनाएगा उसके बारे में खूब व्यूज जाता फोन करेगा मिस कॉल दिया नहीं उठाया उसके बारे में कहेगा फोन किए थे नहीं लगा ये हाल अभी है समझ रहे हो ना बहुत बहुत स्थिति अभी गड़बड़ है इसका है यूट्यूब चैनल बढ़िया से बना जो बनाया है बढ़िया चलता है हमने भी एक वीडियो डाला था 1000 के लगभग उस पर डीज गया था दिए आप भी सर आपका तो देखते हैं लेकिन हम जाता 1000 प्लस से जाता लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया देते ध्यान तो बहुत अच्छा ग्रोथ करता चैनल क्योंकि मेरा तो पहले से वो लोग ग्रोथ पहले वो लोग तो बाद में खोला है चैनल हम तो पहले खोल कर बैठे हैं लेकिन फुर्सत ही नहीं है हमको अरे चैनल ग्रोथ करना चाहेंगे तो बहुत BTSC न्यूज चालू कर देंगे ना टेक्निकल वाला तो धाएं धाएं चलेगा लेकिन फुर्सत ही नहीं उतना हमको है वो तो आदमी का तब पता चलता है जब जितनी आदमी देखता है उसी से बढ़िया रिएक्शन आता है देखिए आपका बहुत ही रिएक्शन है मतलब बहुत बढ़िया जितना भी देखा होगा सब बढ़िया रिएक्ट किया है उस पर देखो एन बराबर 1 रखो यहाँ से 1 रखोगे जो पढ़ लिया है ना तो बुझ गया कि क्या कंटेंट दे रहे हैं 2 1 2 1 3 जो नहीं पढ़ा है कभी तो इसीलिए उसको पता नहीं है समझ में आ गया ना NS2 ये वाला बात हो गया फिर 2 रखो यहाँ से 2 रखेंगे तो क्या होगा C2H5 NS2 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 6 1 7 यानी कि अल्काइल आर है ऐसे वैसे कर रही हो 3 2 6 1 7 समझ में आ गया ना 4 रखेंगे हम लोग इसी प्रकार से रखो 4 9 4 2 8 1 9 तुम्हारा अभ्याग समाचार सुना वो दिन चर्चा अभ्याग ने किए हैं 5 नंबर में इसी प्रकार से क्या हाल है पटना में
ठीक है चलो ना मिल के आते हैं वैसे वहीं पे बगल में मिल जाएगा। चलो रखो यहाँ से कॉमन नेम देखो इसका क्या करते हैं। कॉमन नेम इसका ये है मिथाइल, है ना मिथाइल। तो कॉमन नेम इसका मिथाइल और इसका कहते हो एमाइन, मिथाइल एमाइन। इसको क्या कहोगे इथाइल एमाइन और ना इसको प्रोपाइल इथाइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एमाइन प्रोपाइल एमाइन और इसको कहेंगे ब्यूटाइल एमाइन। समाज में टेंशन करने लगे हैं लोग सब समाज में क्या कर रहा है समझ में आ गया ना। रूल फॉर IUPAC नेम, रूल फॉर IUPAC नेम क्या कहता है। क्रॉसपोंडिंग एल्केन में से ई को हटा करके और वहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, ई हटाए और उसके जगह पर AMINE एमाइन क्या करेंगे लगा देंगे तो हो जाएगा ALKAN एल्केनामाइन साथी में दोनों बापू थे, दोनों बापू साथ में है ना। अरे उसी के हटा के लगाए हो तो लगाओ मिथेनामाइन मिथेन एमाइन METHANAMINE मिथेनामाइन मिथेनामाइन। क्योंकि एक हटाए हो तो मान लो तो साथ में सटाओगे तो अलग अलग नहीं लगा सकते हो, तब तो ये वाला गप हो जाएगा ना। एक कार्बन नंबर लग मिथाइल बोलेंगे, दो कार्बन नंबर मेथ एथ कहते हो ETHANE एथेनामाइन। उसके बाद PROPEN प्रोपेन PRO कैसे लिखते हो प्रोपेन बताओ तो PROPEN PENADGEN सर PROPEN PROPA NE होता तो AMINE होता PROPENE होता ना प्रोपेन है ना। ब्यूटेन BUTANAM क्या हुआ नहीं सर कुछ। अब इसका लिखो स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर तू समझ भी करते हो तो बना दीजिए। एक बना देते सही है नियम का, नियम को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। राहुल का मन हो गया छोड़ दीजिए इसीलिए, अरे कुछ बोल नहीं रहा है, हल्ला वल्ला करो ना क्लास में दे दिए हैं। ये मत सोचो कि देंगे ये सब चीज मतलब वैसी दे दीजिए आपने जे बेची पढ़ाई के बच्चा छो जो सर सब पटना चल जाओ क्या सर NS2 का बनाओ यहाँ से समझ में आ गया ना। ये बन गया स्ट्रक्चर एक और ले लेते हैं C2 इसको पेज बाग भरिए देते हैं अब बना करके समझ में। पेज ला लिया खरीद करके, क्या पैकेट लाया थे 11 पैकेट रखा था हमारी सहरसा से लाया ना, खैर घुरा देगा है घुरा देगा नहीं सटाइएगा मतलब बोले जानकारी के लिए कोई नहीं रहते ये बस तीन आदमी छी क्या सर है तीन आदमी है सब दसवां वाला कहेंगे जाओ ले लेना लड़ा फे करना उस पे क्या सर रख न देना बक्सा में कभी न कभी मौका मिलेगा सर का आइएगा तुरंत लाएंगे कि रखने नहीं ओकरा पता रफने चलेगा सर कते बढ़िया रहे। हां तो क्या दिक्कत है रफने चलेगा तुरंत फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तीन मार के खूब न्यूमेरिकल तोड़ेंगे समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पेज लो सादा आप लिखियो में बढ़िया हां सादा राइटिंग है ना तो लिखेंगे राइटिंग तो बनेगा ठीक ठीक सादा हम वह खूब मन लग जाए जल्दी खत्म करो इसको सादा आप जल्दी नहीं होय छै हमरा सबसे बेसी सादे होय छै लेने वाला में ठीक छ तब बढ़िया लाइनों वाला कॉपी में देखिए तो लाइन में नहीं लिखा है कितना बचा अभी चैप्टर ये चैप्टर कहाँ देते हैं लॉन्ग पेज पर कितना देर लगेगा हमको इसके बाद 12th चाहिए ये 11 सर जी 11 12th के में है क्या है ना इतना तो काफी बचल नहीं था
तो वो कापियों को मटकाल फट गया, जैसे खाली हवा यूज क्या इसी में लिख दिए थे। देखो है ना सब सब कार खाली छूट से देखो है, ये सब मिलेगा ट्वेल्थ में भरने के लिए अलग तरीका से, भरने के लिए ऊपर नीचा का। हाँ लेकिन उसके हुंड बाबा के नहीं, अरे हुंडे बाबा का है। हाँ तो हुंड और तूने पढ़ लिया है सब। हाँ तो और उसमें बोले अलग तरीका से है तो पढ़ेगा, अलग डेवलप तो होवे ना करेगा क्या। हाँ। सब दिन वही थोड़े पढ़ेगा घिसा पीटा चीज। हुंड बाबा का रूल एमाइड समझ में गया ना। इस साल टाइमो बहुत फास्ट भाग गया सर, पते ऐसे ही इससे बेसी फास्ट 20 भागा। इससे बेसी फास्ट तो लोग तुरंत दसवां पास का इंटरव्यू चलाया, फर्स्ट ईयर होने वाला सही है। फर्स्ट ईयर हमको भी नहीं पता चला रिजल्ट कैसे, हमको पास हो जाएगा, हमको लगता रिजल्ट नहीं निकला, दसवां में पढ़ रहे हैं अभी समझ रहा है। एमाइड फंक्शनल ग्रुप इसका नहीं चल, दसवां में पढ़ रहा है सही लगता। सिंगल वन सीओ पता चला, तुम लोग कंट सुनना तैयारी कर लिया था थे अभी कॉलेज का स्टूडेंट। सिंगल वन सीओ एन एस टू देखो फर्क क्यों पे लगाओ इसका स्ट्रक्चर कॉलेज के स्टूडेंट देखो कहां तो ना नॉलेज दिए हैं ज्यादा बड़ा कर देन फार्मूला इसका कॉलेज का सी एन एस टू एन प्लस वन सी ओ एन एस टू प्लस टू है। सात लोग कस्टर को पिक, हम प्लस टू के स्टूडेंट है वो रहने देगा बढ़िया। जीरो एक दो तीन इतना तक हो गया। एन बराबर जनरल फॉर्मूला बता दिया, वैल्यू ऑफ एन डिप्लोमा। अब उतना समझने में दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को। कंपाउंड्स डिप्लोमा कंपाउंड्स कॉमन नेम आई यू पी ए सी नेम है। बोलो क्या कहना है। कितने दूर गए थे एग्जाम देने से, कौन सी कहता है कन्हौज कन्हौज का सेंटर करजैन में होता है नेपाल तरफ। ओ दूर नहीं सर, इंट्रेंस आप दूर नहीं फेंका आपका, समस्तीपुर दिया था इंट्रेंस, अबड़ीदा ने फेंका था अबड़ीदा का किया। जीरो दो जीरो जीरो रखो। किसी किसी का कभी कभी सहरसों में दे देता है। हाँ राहुल सब का दिया था मधेपुरा हिमांशु अय्यर का बगल में दे दें सहरसा में। एन का मान रखेगा जीरो, जीरो दो गुना इसमें कटेगा तो जीरो तो एक हो जाएगा, एच बचेगा, एच हो जाएगा, एच सी ओ एन एस टू बचेगा, एच सी ओ एन एस टू हो गया ना। उसके बाद देखो एक रखो यहाँ पर, एक रखेगा तो यहाँ पर एक रखेगा तो क्या होगा, सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ एन एस टू होगा। दो रखो यहाँ पर, दो रखेगा यहाँ पर क्या होगा, सी टू सी टू एच फाइव सी ओ एन एच सी ओ एन एस टू होगा। तीन रखो इसी प्रकार से भर दिन रखते जाओ अपने मन से रखते, तीन दोनों छः एक सात सी ओ एन एच फार्मूला हैवे किया बैठा दे। दस तक तो याद है, दस तक लिख चलो। इसका पहला का नाम याद कर लेना फॉर्माइड, इसको कहा जो बाकी का नाम नहीं है। दुए को कॉमन नेम, इसका पहला को फॉर्माइड कहा जाता है, एस्टामाइड कहा जाता है। फॉर्माइड एस सी टी ई एम आई ए सी टेम आई। और आई यू पी एस सी नाम का रूल देखो, सरकार का नोटिस नहीं आया अभी तक, सरकारी का तो आया है ट्विटर सर, ट्विटर ओकरे तो है ठीक है। रूल फॉर आई यू पी एस सी नेम, तुम लोग को तो खुशी हो रहा होगा फूज जलोडन है कोरोस्पोंडिंग एल्केन। कहते हैं अभी बंद कर दे, हम नोटिस देखते नहीं रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे कम से कम कोरोस्पोंडिंग। हम सोच रहे कब खुलेगा तो हम भागेंगे, तू सोच रहे हो कि कब बंद होगा कोरोस्पोंडिंग। लगता है काहे लगेगा, बहुत बढ़िया लगता है खाना बनाया आदत बन गया पर छे ना। कोरोस्पोंडिंग एल्केन में से ये हटाओ और वहाँ से ए एम आई डी लगाओ, आराम करेंगे दो महीना, बहुत पढ़ाए हैं तुम लोग को, आराम कीजिए पढ़िएगा। वही बात नहीं, पढ़ाने जल्दी टेंशन होता है ना जी। हाँ ये तो है, टेंशन अपना पढ़ेंगे तो उतना टेंशन थोड़ी होगा सर जी, पढ़ाएंगे चुपचाप बैठ के सुनेंगे आराम से, क्या दिक्कत है, लिखना खाली होगा पड़ेगा सर जी का लिए है। हम तो अपने ए एल पढ़ाते हैं बच्चा एल के ना एम आई डी, देखो ए एल के एन होता है ना, ए एल के एन हटा करके क्या लगा दिया, एल्केनामाइड हो जाएगा इसका, समझ में आ गया ना। दूसरा को पढ़ाता है तो सुनने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि टेंशन नहीं होता है, आराम से पढ़ा रहा है बैठ कर सुन, बढ़िया पढ़ा होता है तब और नए बकवास तो गुस्सा उठता है और वहाँ तो एक से एक महानुभव सब रहते हैं। चलो तुरंत कंप्लेंट निकाल ही देते हैं ना। एम ई टी एच ए
एन एम आई डी ई है ना, एम एल के एन एल मिथेन होता है, एम टी एच ए एन ई होता है ना, एक जगह पर एम ए टी एच एम ई टी एच ए एन ई, एक जगह पर एम एम आई डी एम ए एम आई डी, अरे ये छूट गया, एम ई टी एच एन के बाद दीजिए टी एच ए एन, ये छूट गया यहाँ पर ना, तीर देख ऊपर में लिख दीजिए, यहाँ देंगे हाँ ऊपर में लिख दीजिए, हो गया ना हाँ बस। अब चलो ई टी एच ए एन इथेन हुआ और ए एम आई डी ई इथेनामाइड, उसके बाद नया सर नया दो गो थे मतलब तीन गो, दो एक तीन, तो प्रोपेन पावर बैंक था तब रात में चार्ज किए, पी आर ओ पी ए एन ए एम आई डी ई, इसको क्या करोगे बी यू टी ए एन ई होता तो ए एम आई डी ई, इस प्रकार से बन जाएंगे स्ट्रक्चर, मार देते हैं एस टी आर यू सी टी, ये ऊपर चक्कर है स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसका, स्ट्रक्चर बनाओगे एच सी ओ, छुट्टी दे दें क्या छुट्टी देते आप सर, एच सी ओ एन एस टू, आराम करो जा करके उसी को, अरे घोर के पियो ना बहुत चीज़ है, जितना भंजाओगे उतना भंजेगा, बड़ मजा सी ओ एन एस टू कैसे बनाओ, इस प्रकार से बनेंगे टेंशन मत लो, काफी तुम लोग पढ़ चुके हो कंपटीशन तैयारी का साइंस में, बीपीएससी पास करें ऐसे में क्या समझ में आ गया ना, कार्बन को लगाओ, कार्बन को लगाओ यहाँ पर, अब बाद में इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखो, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से क्या करते हैं बना देते हैं, जैसे सी टू एस फाइव सी ओ एन एस टू देगा, काफ़ी भरिए देते हैं आपकी एक पन्ना में, भरिए दीजिए नियम अनुसार, नियम अनुसार कार्बन कार्बन, तब तक गप सप कर लो, जरूरी बात है इम्पोर्टेंट बात है, फिर बाद में मौका मिलेगा, क्लास नहीं मिलेगा, रोड पर तो मिलेगा, क्लास नहीं मिलेगा, क्लास में तीन बार मौका, तीन दिन आज तीन दिन तक न मिलेगा क्या, अब तीन दिन तक देखो ना, आज फिर फोन करेंगे क्या कह रहा है, अत्य जल्दी है जाने का सर, अब खुला है ना तो नोटिस अपना देखे, तो गुरु वाला को क्या पैकेट था सर बच्चा, इसको पैकेट पे पड़ा एगो तो यहां से भेज देती आए तक, अरे घुरवा देना हटाओ, अरे देखो भाई हटाओ, घुरता है सर, दे देंगे मार देंगे, पहले सर क्या जमा करवा दीजिए, वो सब नहीं दिया है, तीन गुमटी का दिलवा देते हैं, दिलवा देंगे तो हम ही जाएंगे 17% बन गया स्ट्रक्चर, उधर समझ में आ गया ना, चलो हो जाएगा मिल के, चलो ठीक है, पेज नंबर दे देना, दुकान में बेच लेगा, जो करना करो हटाओ, दिमाग तुम ही लोग सब लगाता है, फिर कहता है कौन लेगा, फिर कहता है भेज दो हमको, अभी नहीं लग गए हैं, अभी तो यहीं पर है ना, कोई मन चाह दू दिन में कहा तो पकड़ के तोड़ दे आप, चलने दो सुरखना, जो शुरू कर रहे हैं मन है सुरखना सर, स्टार्ट कीजिए ना, उस समय फ्री है सर, सुरखिए रहे हैं कि आप कितने स्पीड पढ़ाएंगे, ना एक बड़ा थीन लेकर आया ले ना, ना बोलना कि सुरख दीजिए तो जानो सुपर आप केमिस्ट्री है तरन तई ओई कानो को ढेरी भाए छे, मैथ तरह कभी 10 को कर दीजिए तो नहीं है ना, मैथ रहती है तो हते बराबर आ मारती है दुइए गम खत्म, शताब्दी का नहीं दीजिए अपना हुआ नौ नंबर में नेट करे छो तो बंद करके वो एक्स्ट्रा मैथ ही पढ़ा दीजिए फिर से ट्रिगोनोमेट्री चालू कर दीजिए, हां ये बात हुआ है, तो बोलियो क्या अभी तक पकड़ के कहता है एक ही बिट में कहता है चले दे आधे एक ही घंटा में पता चल जाएगा, एनओ2 इसका बनता है स्ट्रक्चर ऐसे, समझ में आ गया ना, जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन कितना हो गया ना, वैल्यू ऑफ एन कंपाउंड्स वैल्यू ऑफ एन कंपाउंड्स आई यू पी ए सी नेम, इसका कॉमन नेम नहीं है कोई भी, कॉमन नेम नहीं है, नहीं है कॉमन नेम तो आदमी रखता है ना, आई यू पी सी तो संस्था रखा है ना, तो उस संस्था तो सबका होबे करेगा ना, कॉमन नेम मतलब लोकल नेम एक तरह से बुझो, समझ में आ गया ना, आई यू पी सी नेम मतलब इंटरनेशनल नेम, कहीं भी चले जाओ मंगल ग्रह पर सब यही नाम, सब जगह यही नाम यही पुकारेगा, समझ में आ गया ना,
एन कमान रखो एक, अब मंगल पर आदमी थोड़े मिलेगा, किससे पूछोगे वहाँ पर। मंगल मतलब अमेरिका बोलो, हम लोग के लिए तो मंगल ग्रह वही है ना, नसीब खुलेगा तो जाएंगे। हाँ, चांद मतलब पाकिस्तान में जो नसीब खुलेगा तो जाओगे। ये तो तुरंत पाकिस्तान पूरा चले जाओगे, जाओ एक बार पाकिस्तान सोचना पड़ता है, धुंधुना देकर पकड़ के वहाँ का आदमी, समझ रहे हो ना, कहाँ के इंडियन है जी, जाओगे तो वेशभूषा चेंज कर लेना, ठीक रहे, सुरक्षित रहोगे, जैसा देश वैसा, क्यों बाबा सब बुढ़वा सब कहता है कहानी, इसी कारण से, जैसा देश वैसा भेष बना लो तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। पासपोर्ट वीजा बना के जाएंगे वो भी ठीक है, लेकिन वो भी लोग कहने को अच्छी दबे करेगा क्या सर, समझ ना, मैंने क्या कहा, कहानी जो कहता है ना तो वो एक्सपीरियंस लेकर कहे गए हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष कहा गया है। जो वैज्ञानिक ने था एक दिन हम गाड़ी से आ रहे थे, एक बकरी धक्का मार दिए, मुस्लिम था, पर उस टाइम हमारा दाढ़ी रहते बराबर थे, बोले था फल कोई मुस्लिम का नाम लिया, ओकर भाई चिरे भैया कहाँ छो जुजुरे निकल निकल भाग, धक्का लगा दिया, भागे वहाँ से, हम रोड जो चेंज किया मुस्लिम एरिया में, इसीलिए न के भागते रहे वहाँ से। सर जी के बच गए, इसीलिए हमने कहा जैसा देश वैसा सुरक्षित रहो, वही सब भरल है, बुझ गए, ये बस्ती तरफ जे, ए बाप बाबू सर एक नंबर के भाग, आप निकल गए, छोरे छे सब तैने छे की दे ये वाला छे, वो लोग बोला मतलब कोई लड़का का नाम बोला, हाँ भैया कहाँ है, कहाँ रहता है, भाग निकल गए। आज तू कुछ नहीं बोला उसको, कुछ नहीं बोले, हम चलते रहे। सस्पिशन में होगा उसका भाई भी, उसने होगा इसीलिए सस्पिशन में होगा, यही तो कहीं है, तो लोग कम से कम बच न गया, चिन्हियो नहीं दिए। उसके बाद हम बोले देखिए ना बकरिया आ गई, मतलब बीच में आ गई, हम तो ठीक से जा रहे थे, बकरी नंगड़ा रहा एकदम पूरा, एक दो तीन चार, नहीं तो ये लेता बोलते तो ठीक है, एक और रखेंगे पहले मार, इसी लेके है CS3 मुस्लिम से बरकरार, CS3 NO2 एक रखो यहाँ से, ठीक है एक रखो यहाँ से, CS3 NO2 हो गया ना, फिर दो रखोगे तो दो दोनों चार एक पाँच, C2H5 NO2, फिर तीन रखो C3H7 NO2, फिर चार रखो C9 NO2। IUPAC नेम में क्या है इसमें से, नाइट्रो प्लस क्रॉसपॉन्डिंग एल्केन, नाइट्रो प्लस क्या लिखोगे, क्रॉसपॉन्डिंग एल्केन, छुट्टी चाहिए जाना थी, बिस्कुट विस्कुट खा कर आना तब तक, छुट्टी के बाद मोबाइल चार्ज लगाएगा, नाइट्रो लाइन आया है, लाइन नहीं आया है अभी, नहीं आएगा दिक्कत होगा, खैर अभी तो 100% होगा मेरा, देखो नाइट्रो तो पहले की नाइट्रो है तो क्या लिख दोगे शुरू में, नहीं है लाइटर पंखा चलता, नाइट्रो प्लस क्या लगाते हैं, हाँ लगल रहने दो, लगल है तो लगा दो, दाब दो कस के, ठीक है ठीक छोड़ दो, नाइट्रो प्लस क्रॉसपॉन्डिंग एल्केन, नाइट्रो प्लस मीथेन, नाइट्रो प्लस मीथेन, नाइट्रो प्लस इथेन, सब नाइट्रो लगाना, सब में टैटी लीजिए, नाइट्रो प्लस प्रोपेन, नाइट्रो प्लस ब्यूटेन, समझ में आ गया ना, इसी प्रकार से आगे चलेंगे, स्ट्रक्चर दे देते हैं STRUCTURE स्ट्रक्चर, राहुल एकदम देख रहा है कि कहीं कुछ, समझ रहे हो ना, क्या हाल है तब बताओ, गेंद तो स्विंग कराना सीखा, कैसे करा, रगड़ देंगे एक साइड को, खाली एक साइड रगड़ देंगे, NO2 अपने गेंद स्विंग हो जाएगा, अपने मारेगा, एक तो स्पीड पकड़ेगा तो CS3 NO2 है, क्या तू लोग बनावटी पढ़ लिया था सर, इसमें लगता है राहुल खोल देगा बॉल एकेडमी, बॉलिंग कराएगा, समझ में आ गया ना, ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो गए हैं, बन गए, इसका स्ट्रक्चर बन करके तैयार है, सब काम, फिर H5 NO2 प्लेन गन को प्लेन ना है और के टाइम कितने संड है सर, समझ में आ गया ना, और उसके बाद NO2 को क्या करो, स्ट्रक्चर बना दो, ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं प्लेन ऐसे बना सकते, स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर बन गया, अब पढ़ेंगे हेलो के बारे में, हेलो हेलो 10 नंबर में, हेलो जन फंक्शनल ग्रुप इसका होता है सिंगल बॉन्ड N, जहाँ X बराबर, जहाँ
एक्स बराबर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों में से कोई भी हो सकता है। कुछ लगता है पढ़ ही नहीं। क्लोरीन किसमें लगता है? कुछ कुछ है है ही नहीं कुछ हो ये को वैसे मतलब है ही सारा बाद में तो रखना पढ़ भी नहीं रहते वाला है चैप्टर इतना है जितना है उतने बताएंगे जनरल फार्मूला लग रहा है आप सर हिसाब करके दे रहे हैं निकाल फिर उसके बाद में रहना की तखा है मोना की हाँ CnH2 plus X हेयर n बराबर एक दो तीन चार हो नेक्स्ट पेज लाओ नहीं ठीक है यार पेज नंबर बोल रहे पाँच पेज नंबर लीला एक दो चाय को लगे को कैसे पढ़ा जाता है चाय को लगाया बाद में पता चलता घटता देखिए कैसे देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है एक बार में समझ में आएगा दिमाग में देंगे ऐड हो जाएगा ये है ऐसे कर दीजिए ये बन जाएगा ऐसे यूट्यूब पर आ जाता है मतलब मार कम बाप राइट बेसी हाथ गोर चमका करके एकदम लगे तुमको बाप बहुत कुछ बता रहा है वही बताएंगे हम धीरे से उतने बात है आदमी को 1% आदमी नहीं पता है देखिए जरूर अब व्यूअर ले लिया तुरंत समझ रहे हो ना ये सब तरीका यूट्यूब पर है सर आधा वीडियो काट के छोड़ देगा तो व्यू बढ़ जाएगा उसका कम से कम तुम उसका 30 सेकंड की कितना वीडियो नहीं सर 30 सेकंड या 1 मिनट कुछ देख लेगा हम उसका वीडियो तो उसका अथी हो जाता आधा से बेसी समझा बैनर ही देख कर क्लिक कर दे बैनर देखते हाँ बैनर है ही उसका मेन चीज यूट्यूब पर मेन चीज लोग देखते हैं पहले बैनर ही सब पहले बैनर ही जिसको बनाने आ गया ना बढ़िया उसका भी बढ़िया बनता है सबसे बड़ा चीज बैनर आजकल है और उसके लिए सीखना पड़ेगा एडिटिंग तुमको बैनर सीख लगा तो फिर देखो ना लेक्चर कैसे बनता है तब तो तुम्हारा बढ़िया वीडियो नहीं है तैयो भी चलेगा बैनर पर देखते ना यूट्यूब बैनर में रहता कुछ और खोलेगा तो मिलेगा कुछ और आजकल बैनर का ही खेल है उसमें जागा अंत है एक एक रामदेव रामदेव बाबू ठीक शांत रहो बल बल मना हटो योगी जल्दी करो स्पीड से सब सर आजकल यूट्यूब अपना चैनल बना के कुछ से कुछ डालते हैं तू भी बनाए वो बना दे चैनल बना लेते चैनल बनाने में थोड़े चैनल तुम्हारा बनने होगा खाली उसी को यूट्यूब पर डालना है चैनल सबका बना यूट्यूब अकाउंट खोले हो ना चैनल हाँ इसीलिए चैनल सबका बना रहता है पता नहीं होता है लोग सब्सक्राइब खाली कोई नहीं किया तुमने उसमें क्या है यूट्यूब पर वजह से छत घूमते हो तो उसका वीडियो देखाइए हम बताते हैं आपके बारे में छत मेरे गाँव में क्या मिलता है इसी वजह से कहीं गए हो तो उस पर बताओ ऐसे फालतू का ऊपर में लिख देना कुछ से कुछ क्या खाली फोटो लगाना बढ़िया से वो चमत्कार चमत्कार हमारे गांव में मिला बड़का चमत्कार समझ में आएगा ना पक्षी खाएगा दाना तो उसको दिखाना गाय पास करेगा यही बेवकूफ बनाना है खूब लोग खूब देखेगा बट देखता है लोग सब देखता है ना मिलियंस ऑफ व्यूज मछली खेत में जाओगे ना कहना देखिए यहाँ लगता है पता नहीं क्या है साइंस का चमत्कार है साइंस फेल कर जाएगा इसमें देखिए क्या हो रहा है चलो बेवकूफ बनाओगे तो बढ़िया तरीका है लोग खो बनेगा समझ रहे ना देते हो चैनी सबका हाँ हाँ हंसता उस्ता है चैनी सबका हंसने वाला वीडियो देखता है ठीक है चलो कंपाउंड कंपाउंड्स कॉमन नेम खाने वाला बैंग ही उखा रहा तो वो देख रहा था कॉमन नेम हम बनाएंगे तो मेरा कोइन देखेगा देखेगा तो अमर हो जाएगा ना अमर अमर नहीं होना चाहता ये देखेगा तो अमर हो जाएगा समझ रहे हो धरती पर शिक्षा बढ़ाना चाहिए इसलिए शिक्षा कॉमन नेम देखो इसका एन का मान एक देखेंगे एक समय तो रखो वहाँ कुछ ठोस कमाल सी एस थ्री एक्स पेज ला ना रे एन का मान दो रखेंगे दो रखेंगे तो सी टू एस फाइव एक्स बोलेंगे तीन बोलेंगे तीन दोनों छः एक सात एक्स बोलेंगे एन का मान क्या ले लेंगे हम लोग चार चार दोनों आठ एक नौ इसी प्रकार से पाँच ले लेते हो यदि तुम सी फाइव नौ दोनों पंद्रह से ग्यारह एक्स इसी प्रकार से ले लेते हो तो कतरे होगा इसमें तो बुझिए सर ट्रिक को एक्स लगा लेगा बारह एक हाँ अब ऐसा जगह कोई भी कंपाउंड इसी प्रकार से बैठ करके भर दिन बनाते रहना तो इसका देखो सर एक चीज हमको हाँ, बोलो जैसे अनलिमिटेड रूप से बन सकता हाँ, अनंत बहुत कायन बनेंगे कंपाउंड तो प्राकृतिक रूप से की मानव निर्मित है ये कौन
ये सब जो कंपाउंड हम बना रहे हैं ये सब इतना थोड़े प्रकृति बनता है, हम लोग ने बनाए हैं सबको अनंत तक नहीं जाता है, कुछ खास लिमिटेशन है सब पर, थोड़े कंपाउंड मिलेगा जैसे अब थोड़े मिलता है, पाँच को छः को दस को बारह को सबका लिमिटेशन किए हुए हैं, तो हम लोग को पाँच ही छः तक पढ़ना है, पाँच को पढ़ना है माथे कंपाउंड बारे में, पाँच चार देने पढ़ना है, उसके बाद थोड़े बारह होगा कि नहीं होगा कोई जरूरी नहीं ऐसे है, मतलब ये तरीका दे दिया है इसके अनुसार बनेंगे, ये एक फार्मूला है ए प्लस बी कॉलेज का वो तो किसी बैठा हुआ तो बन जाएगा, अनंत रूप से कोई चीज़ होता है अनंत मतलब नथिंग कुछ भी नहीं, समझ रहे हो ना ये बात होती है, सब पर थोड़े कंपाउंड कुछ प्राकृतिक में भी मिलते हैं कुछ बनावे किए हैं ये बात होती है, मिला देंगे केमिस्ट्री है ना जी एक से मिला मिला के बनाया जाता है, समझ में सी एस थ्री एक्स बनाओगे इसका नाम पहला का नाम यहाँ क्या है मिथाइल है ना एम ई टी एच मिथाइल कह दो और उसके बाद हेलाइड कह दो मिथाइल हेलाइड हेलो है ना हेलाइड कह दो उसके बाद क्या कहोगे इसको एथाइल हेलाइड उसके बाद बोलो प्रोपाइल हेलाइड एल्काइल ग्रुप है ना एल आई डी एक बार मैं समझ लिया तो अब देखो यहाँ से X का नाम लिखोगे तो X का यूपीएससी नाम लिखने का तो रूल है हेलो जन जेडियन सीओ डबल आर ई एस क्रोस्पोनी एल्केन में से क्रोस्पोनी एल्केन हेलो प्लस क्या कर दोगे क्रोस्पोनिंग एल्केन आज यदि लिखेगा फ्लोरिन का तो हेलो की हो ना तो वहाँ कर दो फ्लोरो क्या कर दो फ्लोरो और प्लस क्रोस्पोनिंग एल्केन कर दो यदि क्लोरिन लिखते हो तो वहाँ कर दो सी एच एल ओ आर क्लोरो यानी एक्स की जगह बैठेंगे हाँ एक्स की जगह बैठाना है यही तो इसीलिए तो बता रहे हैं ब्रोमीन एगो कराक दिखा देते हैं ब्रोमीन आखिरी जगह पर होगा ब्रोमो कौन क्रिकेटर है आजकल जानते हो रिवर्स स्विंग पाकिस्तान चलो बताएंगे आईडो ये इतना समझ में आएगा सबको एफ जगह क्या बोलोगे क्लोरो सी एल तो क्लोरो बी आर तो ब्रोमो आई तो आईडो आप प्लस क्लोर स्पनिंग लिख दो नाम हो जाएगा जैसे देखो इसका नाम लिखाते हैं तो हेलो तो फोन करो तो हेलो एक्स है तो हेलो ग्रुप कहा इसीलिए हेलोजन ग्रुप कहा गया हेलोजन फोन करोगे तो आ जाएगा एफ एन फोन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया ना हेलो हेलो के बाद क्या लगा क्रोस्पोनिंग एल्केन तो एक कारण प्रण वाला क्या कहते मिथेन कहते हो ना हेलो मिथेन फोन करो फिर करोगे हेलो इथेन हेलो इथेन समझ में आ गया ना हेलो प्रोपेन सबको हेलो कर दो उसके बाद हेलो ब्यूटेन मन लग रहा है पढ़ने में हेलो उसके बाद बोलो हेलो पेंटेन हेलो हेक्सेन समझ में आ गया ना हेलो इसमें कुछ थोड़े हल्का हल्का दो चार बातों को बताना हमको है फिर स्ट्रक्चर शिवम का कंसेप्ट हमेशा यूज होती है स्ट्रक्चर कोई दिक्कत छुट्टी चाहिए घर वाला रोते होंगे अभी तक कितने आया नाश्ता बन के तैयार है टेंशन में होंगे चलो ठीक है छुट्टी दे देते हैं तू भी घर चले जाना इसी घर में इसके साथ कहना जाइए अंकित के रास्ता में बोला लेकर नहीं ले खा लेना कहना गिर गया कुत्ता खा लिया नहीं है टेक्निक बढ़िया अब देखो एक्स की जगह आपको कंफर्ट जैसे एक्स की जगह दे देगा एफ तो ये हो गया ही इसका नाम क्या बोलोगे हेलो 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 मिथेन हेलो मिथेन फ्लोरिन लगा इसमें फ्लोरिन लगा दिए फ्लोरी हाँ फ्लोरो फ्लोरो हो जाएगा फ्लोरो में हेलो फ्लोरो में ना हेलो भी लगाएंगे फ्लोरो खाली लगाएंगे हेलो जरूरी हेलो जरूरी अरे हेलो नहीं लगाओगे यदि फ्लोरिन लिखे हो ना तो इसमें लगाओगे फ्लोरो प्लस क्रॉस फ्लोरो मीथेन क्या लगाओगे फ्लोरो मीथेन बस ये तो एक्स था ना हेलो कहा एक्स नहीं रहेगा तो फ्लोरिन की बनाने से कोई एक कह दो सी टू एच फाइव जैसे एक्स होंगे एक्स की जगह कंपाउंड लेना पड़ेगा तुमको एक्स की जगह लेना पड़ेगा तो ये हो गया क्लोरोइथेन समझ में आ गया ना इस प्रकार से जो मन माया वही बैठ करके बढ़िया लेंगे करो नहीं उसी हर दिन चला हर दिन चल जाता है ना एक बार फुल उसी साइनाइड उसी स्किन सर चार्ज 11 नंबर में ठीक है देखो ना इधर कैसे बैठो थोड़ा सा एक साइनाइड यानी कि साइनाइड क्या होता है सी एन साइनाइड देखो इसका फंक्शन ग्रुप सिंगल बॉन्ड क्या होता है सी एन जनरल फार्मूला
सी एन एच टू एन प्लस वन सी एन, ये इसका क्या है जनरल फार्मूला, फंक्शन ग्रुप सिंगल वन सी एन जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन सी एन है, वेयर वेयर एन बराबर वन टू थ्री सो वन, समझ में आ गया ना, एन बराबर होंगे वैल्यू ऑफ एन कंपाउंड्स कॉमन नेम को ताकत क्या हुआ टॉक्स हमको डर नहीं मार उड़ भाग गया क्या आई एक तक से तभी देखता है किसी को रिश्ता है तब ना आई यू पी ए सी आए शांत रहो आई यू पी ए सी ने राहुल बराती कब जा रहे हो एक रखो यहाँ से देखो एक रखेगा एन का मान शुरू हो गया रखेगा एक कम दो एक तीन सी एस थ्री इस सब में कुछ थोड़े है रखा नहीं सर वाला चीज सब छोड़ देते तो लोग पढ़ लेता तब कह रहा था पढ़ा दीजिए दो दुना चार एक पाँच सी एन टेबल है ना सर टेबल तीन तीन दुना छः एक सात सी एन अब मन नहीं लगता है पढ़ाने में तू लोग को बहुत ही ज्ञान दे दिए कम समय में ना इसीलिए पाँच रखो सर पता ना आपका जो डेट सुने पता नहीं गर्मी यार छोड़ने लगा हम तो तुमको आज से नहीं दस दिन पहले से अनाउंस कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है देखो नहीं बोल रहे थे ऐसा होने वाला घटित होने वाला सावधान हो जाए छः दिनों बारह एक तुमको लगा कि हो नहीं होंगे लेकिन हमने कहा ना वैक्सीन आ चुका है तो इसीलिए अब दिक्कत नहीं होगा समझ में आ गया ना चलो इसके क्या कहोगे मिथाइल साइनाइड सब कॉमन नेम से मिथाइल साइनाइड तो सर लहरा गया दो महीना बाद मिथाइल साइनाइड फिर गिरीवन जाओ क्या दिक्कत है इथाइल साइनाइड इसके बाद बोलो प्रोपाइल साइनाइड दो महीना खुला रह जाएगा ना टेंशन मत लो ब्यूटाइल साइनाइड जो क्लियर हो जाएगा हां क्लियर ही हो जाएगा तो तू लगाओ कि खुलाओ पेंटाइल साइनाइड कोई ना आएगा 50000 हो गया जाओ पेंटाइल साइनाइड छुट्टी दे दे खाना खाने जाओगे एक्साइल साइनाइड कोरेस्पोंडिंग एल्केन कोरेस्पोंडिंग पता नहीं गर्मी छोड़ने लगता है बहुत ही लेकिन खतरनाक टॉपिक है इसी से पता चलता है गर्मी से क्रॉसपोंडिंग खाली क्रॉसपोंडिंग लिखा है क्रॉसपोंडिंग एल्केन प्लस नेट एल्केन लिखा होगा छूट चुका है जी ओ डबल आर ई एस पी ओ एन जी आई एन क्रॉसपोंडिंग एल्केन अगले बार निकालो तो केमिस्ट्री पी डी एफ यहाँ मिसप्रिंट कुछ लगता है 4% नाइट्राइल में निकालो ना खुलेगा कोरोस्पोंडिंग एल्केन प्लस क्या होंगे क्लास नोट्स नाइट्राइल कोरोस्पोंडिंग एल्केन प्लस नाइट्राइल इथेन प्रोपेन ब्यूटेन मिथेन समझ में आ गया ना स्ट्रक्चर देखो कोरोस्पोंडिंग एल्केन प्लस क्या देंगे हम लोग नाइट्राइल इसका कोरोस्पोंडिंग एल्केन क्या है मिथेन क्या है जी एम ई टी एच मिथेन और उसके बाद क्या है नाइट्राइल एन ई टी आर आई एल डी नाइट्राइल लास्ट में होगा सॉरी इट्स बुक का लास्ट चैप्टर है हाँ सबसे अंतिम चैप्टर मन लग रहा था कोई दिक्कत अंतिम है इसके बाद एको गुण चैप्टर नहीं है इसे अंतिम बना रहे हैं एको गुण है है ईबुक का लास्ट चैप्टर है ईबुक का लास्ट चैप्टर इस बार कुछ चैप्टर कहाँ है क्या नंबर 11 नंबर है 12 नंबर दो बार बुक है 11 नंबर चैप्टर नंबर है दिमाग अब नहीं छोड़ पैदल को सर तो ऊपर भाग गए के दिमाग नहीं मिल जाए इसका चित्र बनाओगे सिंगल बाउंड अरे हमको पता रे सब उल्टे ट्रिपल बाउंड एन समझ में आ गया ना ई बुक का यही लास्ट चैप्टर है फर्स्ट अथी का फर्स्ट वॉल्यूम का ना सर वही फर्स्ट वॉल्यूम ने सेकंड वॉल्यूम का बारवा चैप्टर है ये तो सेकंड वॉल्यूम बहने छूटा हुआ अलग बात है ये तो तुम्हारा सिलेबस खत्म है हम क्या कर रहे हैं लास्ट चैप्टर सिलेबस खत्म थोड़े हुआ है नहीं लास्ट चैप्टर बुक बारे में तुम्हारा चैप्टर नहीं बारवा चैप्टर नहीं लास्ट पढ़ा दीजिए कह रहा है शिवम को लगा दो चार बोर्ड होगा समझ में आ गया ना
इसमें कुछ नहीं किया सनैर का है ना सीएन सांतरो देखो फंक्शन ग्रुप सिंगल बन सन की हो ना एसजर बन गया जनरल फार्मूला सीएन एसपीएन प्लस वन सीएन नैन का मान रख दिया और वन टू थ्री किए सीएन आ गया मिथाइल साइनाइड हुआ इसको मिथाइल साइनाइड इथाइल साइनाइड प्रोपाइल साइनाइड ब्यूटाइल साइनाइड पेंटाइल साइनाइड हेक्साइल साइनाइड और क्रॉसपेनिंग एल्केन में से क्या जोड़ देंगे हम लोग नाइट्राइल जोड़ देंगे क्रॉसपेनिंग एल्केन में क्या जोड़ देंगे नाइट्राइल हो जाएंगे नाइट्राइल जोड़ देंगे तो क्रॉसपेनिंग एल्केन इसका सी एस थ्री होंगे और ई सी एन को क्या कहोगे नाइट्राइल तो मिथेन नाइट्राइल हो जाएगा उसके बाद ई टी एच ए एन ई इथेन नाइट्राइल हो जाएगा एन ई टी आर आई एल ई नाइट्राइल उसके बाद बोलो मिथेन इथेन प्रोपेन पी आर ओ पी ए एन ई प्रोपेन नाई टी आर आई एल ई नाइट्राइल इसके बाद आगे जाओ ब्यूटेन नाइट्राइल बी यू टी ए एन ई ब्यूटेन नाइट्राइल उसके बाद बोलो पी ई एन टी ए एन ई पेंटेन नाइट्राइल उसके बाद बोलो हेक्सेन एच ई एक्स ए एन ई हेक्सेन नाइट्राइल इतना कर देंगे हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक दो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे जैसे देखो सी एस थ्री रखो ना काहे थीन को परेशान कर रहा है अथी सर गर्मी ऐसे लग रहा है अपना काम करो अपना काम करो बना स्ट्रक्चर कार्बन दे देंगे तीन को सर तो लोग तो मास्टर बन गया केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के भी बना देखो सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एंड इसका स्ट्रक्चर बन गया जब खोलें तो पेज को भर ये देते हैं इसके बाद मात्र एगो होगा पढ़ने के लिए एगो एगो उसके बाद फिर हम लोग सीरीज अच्छे टॉपिक इसके बाद अच्छा मन लगेगा तब पढ़ने सब समझाने वाला टॉपिक आएगा चलो राहुल को पीटना पीट दो बाद में फिर नहीं पीटना रहा सर्टिफिकेट आ जाएगा तो लड़ाई झगड़ा भी कर लोगे तीन दुना छः एक और सात तीन दुना छः एक सात और सी एन एब्सेंट कब हो रहा है अब से पूछ रहे हैं एब्सेंट कब हो गए एब्सेंट बहुत जल्दी ठीक है तीन तीन छः एक सात हो गया ना और उसके बाद सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन हेलो लो अब तो आप ही एब्सेंट हो जाए हम लोग तो रोज आएंगे आना रोज हम एब्सेंट रहेंगे हम एब्सेंट नहीं रहेंगे तू लोग एब्सेंट रहेगा तो लंबा छुट्टी में जाएंगे हम समझ में आ गया ना यूट्यूब पे लेकिन रहेंगे प्रेजेंट एब्सेंट रहेंगे ऑनलाइन तो। नहीं सर ऑनलाइन हर हमेशा जहाँ तक यूट्यूब रखते हैं दोनों की व्यवस्था कर दी है तो कन्फर्म कर लेते हो फुल्ली व्यवस्था है तुम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं कपार पर टेंशन दे दियो क्या सर अच्छा सर वो जो है उसे नहीं निकाल सकता आर्मी जितना तैयारी है पूछी तो साइंस आर्मी पूछता पूछता साइंस हो जाएगा आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा नहीं आर्ट्स वही तो बोले आर्ट्स पढ़ लेगा हमारा साइंस इंटर लेवल तक जितना एग्जाम होता है ना उसका 85% तुम बना दिए 15% सिलेबस और पढ़ना पड़ेगा तुमको नॉमिनल से बनाना पड़ेगा आर्मी का 85% तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है 15% और पढ़ना पड़ेगा तुमको नॉमिनल या कुछ जैसे कि बताते थे कुछ एक दो प्रोजेक्ट कभी कुछ होते थे ना कुछ चैप्टर हो उसमें एक्स्ट्रा एक दो हाँ एक दो तो वही सब पढ़ना पड़ेगा बाद में कुछ नहीं 15% वही आ गया सब 15% हो चुका है सब एग्जाम में चल दिए देते एक तैयारी क्या एग्जाम दे देते और दो तीन महीने लगा लगा जल्दी लगाओ तब अपन पढ़ लेते एक आध गो चैप्टर दो गो तीन गो दो गो फिजिक्स में पर हो गया रहा है वो उतना फिर केमिस्ट्री में इसी से अपना यूट्यूब तुम लोग कर लोगे किसी का देना यूट्यूब पर टॉपिक देखना सिलेबस क्या है जिससे एग्जाम तैयारी करना चाहते हो और टॉपिक नहीं होगा तो पढ़ लेना बाकी सब लेवल एकदम ऊपर कर दिए आइसोसाइनाइट आइसोसाइनाइट्स फंक्शनल ग्रुप वही है कुछ इसका सिंगल वन एन सी उसका सी एन सी एन सी होता है इसका बताइए फार्मूला सी आ गया पहले तो जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन एच टू एन प्लस वन एन सी अरे ऑनलाइन कुछ ढेर मिलता है खरीद लेना समझ में आ गया ना लेकिन पहली बार ऑनलाइन दिक्कत होगा यही बात है पहले ऑफलाइन तुमको पढ़ना पड़ेगा वेयर एन बराबर पहले ऑफलाइन कहीं पढ़ लेना अब कितना पढ़ेगा ईद हुआ फिर आठ पार्ट दस को कोर्स मारेगा तू कखनो कहता है पोल्डर नहीं करेंगे कखनो कहता है कि आठ पढ़ेंगे मतलब दोनों चीज़ करेगा दोनों चीज़ नहीं होता है कुछ चीज़ होता है कोनो दो चीज़ करोगे तो धुना पर हालत खराब अभी हालत खराब सब है जो टेक्निकल हम लोग थे ना हम आर्ट नहीं पढ़ते थे टेक्निकल में कुछ भी नहीं साफ ही नहीं और जो लोग आर्ट पढ़ता था सेमेस्टर नंबर कम गया उसको अभी कपार पीट रहे हो या लैको पॉइंट हो रहा था तभी हमारा चांस था अभी
बॉन्डी लाइन पर है, सांस उसका जा रहा है, सांस उसका आ रहा है, कहीं हम छटा नहीं जाए सिलेक्शन से, ये हाल उसका है। मतलब टेंशन बहुत, भारी टेंशन है। हम लोग टेंशन नहीं है क्योंकि सब दिन टेक्निकल पर अच्छा नंबर लाए, और लोग सोचा कि जेईओ कर लेते हैं, इधर रेलवे ग्रुप डी एन टी पी सी निकाल लेंगे। तो अभी नहीं रेलवे ग्रुप डी एन टी पी सी हुआ और नहीं जेईओ वाला होने वाला, सांस उसका है, ये स्थिति अभी है। इसीलिए कहते हैं जो करना चाहते हो मन से करो, ताकि नहीं भी होगा ना तो थोड़े बाद अपना कैपेसिटी होगा उस पेपर में, तो कुछ कर सकते हो, कोचिंग भी पढ़ा सकते हो, या बहुत कुछ बहुत भी सोर्सेस हैं उसके लिए। अने दोनों तरफ पैर धोरोगे तो नहीं इधर की रहेगा नहीं उधर की रहेगा, ऐसा हमने आंख से देख चुका है। इसीलिए कह रहे हैं ऐसा मत करो तुम लोग। वैल्यू ऑफ एन, कोई एक सोच रहे हो तो उसे पूरा कंसंट्रेट कर दो, उसे अच्छे तरीके से करो उसको। हाँ वो तो है सर, एक चीज को समझ में आ गया ना, कंसंट्रेट हो, कंपाउंड दो गो बात चार गो बात यो कर लेंगे वो कर लेंगे तो कुछ तब होगा उसके बाद कर सकता ना सर। हाँ बारी बारी से IUPAC नाम एक टारगेट सेट करो, वहीं से जॉब मिल जाएगा, मन में करना। चलो ठीक है, एक रखते हैं हम लोग, इसको पढ़ा के छोड़ेंगे दो तो, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है। एक है कल से अच्छे टॉपिक पढ़ाएंगे, ये तो मतलब था नत्ता पानी करा दिए लगने लग। CS3 क्या होगा इसका, CS3 बढ़िया कंबाइन कर देंगे दोनों को, CS3 NC CS3 क्या हो जाएगा, NC समझ में आ गया ना। हाँ देंगे, शिवम पन्ना लाया खरीद नहीं देंगे, पन्ना कौन खरीदा खरीद लिया, हमारा दीजिए गर्मी गर्म के लिए सर, नहीं सर हमको दीजिएगा, आज बोला था सामान देंगे, क्या हुआ कल नहीं कह रहा था गरम किए थे, वो तो ये गरम करके तुमको मिल गया, नहीं मिला हमको है पसुन दिए C4H9NC। लोग दो बार तीन बार देता है, तुम दो बार तीन बार जमा करो, जाहिर मन होता है फिर ऐसा ना हो सकता है, करे करे सर, 100 देखो इसका नाम, इसका नाम IUPAC है ना, इसका नाम मिथाइल है ना, METHY है ना, आइसोसाइनेट लगा दो, मिथाइल आइसो CYNID भोपाल गैस त्रासदी में कौन गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, उसका फार्मूला CH3NC होता है, कोई दिक्कत। इसका नाम इथाइल आइसोसाइनाइड, बहुत लेकिन फेमस क्वेश्चन है सर। लोगो मरा होगा सर, आए डेथ हो गया, मरा नहीं, ब्यूटाइल समझ में आ गया ना, पवन सिंह भोपाल गैस राज्य में कौन गैस लीक हुआ था, फार्मूला उसका क्या है ये तो नहीं कहेगा, CH3CN देखा गलत किया ना, वही उल्टा CH3 सिंगल वोल्टा होता है, NC होता है इसमें, साइनाइड सिर्फ मिथाइल साइनाइड होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है, बताओ आइसो की सिर्फ साइनाइड, तब होता है CN, आईएसओ लगा देगा उड़ जाता है, NC तब हो जाता है, यही लोग गलती करोगे तुरंत एग्जाम में, CN भी रहेगा, CH3CN भी रहेगा ऑप्शन में, और CH3NC भी रहेगा, तो फर्क बुझा नहीं पाओगे, इसलिए मतलब ये फेमस क्वेश्चन है, इसीलिए यही पर कंफ्यूज करता है लोग, NC और CN पर ही, आप फार्मूला दे देगा तो कंफ्यूज मार जाओगे, बंटी नहीं पड़ेगा, चलो यहाँ स्ट्रक्चर बोला हम आज साढ़े चार घंटा पढ़ लिए, स्ट्रक्चर देखो सही बहुत पवन कुट में दी गया, फिर दूसर जगह बहुत जगह है विक्रम के यहाँ, कल जाएगा पहुँचा देना गाड़ी, ठीक है ना, विक्रम सब फ्रेंड आया था, विक्रम का सब फ्रेंड आया था, आप ही अनुपस्थित, हाँ जानते हो ना, जी है सर, इंजीनियर सब आ रहे ना, समझ में आ गया ना, विक्रम भी एक सर जी है, क्या बनाओगे सर, आप सर जी हैं कि फ्रेंड है, जो मानना है तुमको मानो, लेकिन सर जी कहता है ना आपको, हटाओ ना फालतू, आप क्वेश्चन कहता है क्या कहता नहीं कहता उससे क्या, ये कौन क्वेश्चन है पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में नहीं आएगा, रिलेशन बना रहा है, रीजनिंग बना रहा है सर, चलो देखो NC का हम लोग पढ़े थे ना, इसका स्ट्रक्चर बना था सिंगल बॉन्ड एन, इस प्रकार से बना था इसका स्ट्रक्चर, पढ़ने का क्या है, वैसे तू वाला फटक रहा था उसके लगता है, जाओ घर में अथी करो, बर्तन साफ करो, मतलब फटको जा करके गेहूँ, इतना हो गया जैसे ना, उसमें देगा क्या, लाओ 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 ये उसमें विलम्ब है, दो बार चार बार जाए मन करता बार दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं हम देंगे, इतने होता है दो बार चार बार, दो महीना रुके चार बार दे दीजिएगा। विनाइल देखो, विनाइल का स्ट्रक्चर क्या होती है, विनाइल का पढ़ो, कल से ऐसो में ऐसो मेरे माथा टपी कल से पढ़ाएंगे, इसे छा भी ठीक है,
विनाइल का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका स्ट्रक्चर देखो बनेंगे ना, यहाँ कौन डबल बॉन्ड है और फिर सी लगाओगे, यहाँ एगो खाली रहेगा, नोता दे ले कोई आके बैठेगा, 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 पूरा हो गया। उस पर फिनाइल बस खत्म, फिनाइल सबका ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, यदि होता तो पढ़ाते आगे, आगे ऑनर्स में है, यहाँ तक थोड़ी है इंटर और ट्वेल्थ ये सब ये देता नहीं करूँ, गोल का अपना छूटे ट्वेल्थ यहीं पर गोल के पर हो गए छूटे रिएक्शनों में यही भाग लेता है, समझ रहे हो ना। हाँ तो ट्वेल्थ थोड़ा सा भारी है रेवंश से, कहते हैं लोग ऐसा, लेकिन पता नहीं क्या है कि नहीं, बोलिए क्या पता है कि नहीं। चलो बात खत्म हुआ।